जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल में। दोस्तों चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर साथ तो बेल आइकन जरूर जरूर प्रेस कर ले ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्योंकि दोस्तों आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ता से रिलेटेड किसी भी राज्य और किसी भी शहर की कोई भी अपडेट आती है तो उसकी जानकारी हम आपके सामने सबसे पहले लेके आते हैं। दोस्तों आज 26 अगस्त की 10 महत्वपूर्ण एवं बड़ी खबर इस वीडियो में देखने वाले, तो वो कौन सी बड़ी खबर है? बहनों की मांगे पूरी, मानदेय आपका बढ़ा है। तो आपका मानदेय बढ़ा है तो कितना इस बार आपका मानदेय वो बढ़ाया गया बहनों के लिए, बहुत अच्छी और बहुत बड़ी कुछ खबर यहां पर आ चुकी है। आंगनबाड़ी वर्कर्स बनेगी नर्सरी टीचर। जी हां दोस्तों, आंगनबाड़ी जो वर्कर है वो अब नर्सरी टीचर बनने वाली, और नर्सरी टीचर के हिसाब से उनको यहां पर सैलरी मिलने वाली। साथ में अब बहनें होंगी सरकारी कर्मचारी। अगर उनको नर्सरी टीचर यहां पर बनाया जा रहा है तो उनको सरकारी कर्मचारी भी यहां पर घोषित किया जाएगा, राज्य कर्मचारी यहां पर घोषित किया जाएगा। साथ में आपका मानदेय 18,000 प्लस होने वाला, साथ में आपकी पेंशन भी यहां पर 6,000 रुपए आपको मिलने वाली है। तो बहनों इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। साथ वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता से रिलेटेड पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलो बहनों देखते हैं सारी न्यूज। तो सबसे पहले हम देखते हैं 10 महत्वपूर्ण खबरें, देखते हैं कौन सी है महत्वपूर्ण खबरें। सरकार के खिलाफ बगावत पर उतरी सेविका सहायिका, 3 को करेगी हड़ताल। तो यहाँ पर 3 को बड़ी हड़ताल होने वाली है। उसके अलावा सरकार के खिलाफ बगावत पर उतरी सेविका सहायिका, 3 को करेगी हड़ताल। या सदर अस्पताल परिसर में झारखंड राज्य समाज कल्याण आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष अनिता बिरुआ की अध्यक्षता में रविवार को बैठक हुई। बैठक में बिरुआ ने कहा कि सरकार आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को अंधेरे में रखकर कार्य करवा रही है। उसके अलावा आप यहाँ सकते हो चाहे सदर अस्पताल परिसर में झारखंड राज्य समाज कल्याण आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष अनिता बिरुआ की अध्यक्षता में रविवार को बैठक हुई। बैठक में बिरुआ ने कहा कि सरकार आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को अंधेरे में रखकर कार्य करवा रही है, इसलिए अपनी मांगों को लेकर 3 सितंबर से जिले भर के सभी आंगनबाड़ी कर्मी हड़ताल पर चले जाएंगे। जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाता तब तक हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल की मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए सभी को यहाँ संगठन के साथ में एकजुट होकर रहना पड़ेगा। संघ के प्रदेश अध्यक्ष निताई चंद्र चौधरी ने कहा कि 3 सितंबर से जिले की सभी सेविका सहायिका हड़ताल पर रहेगी। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य देश में अमीर गिना जाता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों और माताओं की सेवा करने वाली आंगनबाड़ी कर्मियों को काफ़ी कम पैसा दिया जा रहा है। जब दूसरे राज्यों में आंगनबाड़ी कर्मियों को काफ़ी अच्छी सुविधा मिल रही है, हमें झारखंड में भी वह सुविधा है वो मिलनी चाहिए। विभागीय सुविधा कर्मियों की किस तरह महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष करते हुए पेंशन दिया जाए, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका व पोषण सखी के लिए आयुष्मान योजना अनिवार्य किया जाए, आईसीडीएस को एनजीओ एवं निजी हाथों में सौंपने पर रोक लगाई जाए। मौके पर पुष्पा देवी, सुकमती तिरिया, मालती सोए, आरती देवी, लगुन सोमवारी समेत कई यहां पर उम्मीदवार है वो मौजूद थे। साथ में आप यहां देख सकते हो आंगनबाड़ी सहायिका की मौत पर कार्य कर्ताओं ने अर्थी को दिया कंधा, सभी की नम हुई आंखें। तो ये बड़ी खबर आई है। तो ये कहां से आई आप यहां देख सकते हो, यह एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की असामयिक मौत पर मानवीय संवेदनाओं का ऐसा उदाहरण सामने आया जो कि आज के युग में अति दुर्लभ है। जी हां बहनों, महिलाओं की इस कर्तव्य निष्ठा ने न केवल एक परिवार को संबल दिया बल्कि दूसरों के लिए भी अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। साथी की मौत पर नम आंखों के साथ अंतिम विदाई के दृश्य को जिसने देखा उसकी आंखों से आंसू चलक पड़े। गरीबी परिस्थिति में गुजर बसर करने वाले आंगनबाड़ी सहायिकाओं की आकस्मिक मौत के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर न सिर्फ पीड़ित परिवार की सहायता की बल्कि सहायिका के पार्थिव शरीर को यहां पर अंतिम विदाई देने मुक्तिधाम तक का सफर साथ में किया। खास बात यह थी कि नम आंखों के साथ कार्यकर्ताओं ने सहायिका की अर्थी को कंधा भी यहाँ पर दिया। उसके अलावा आप यहाँ देख सकते हो साथी के प्रति निभाया अंतिम फर्ज। गुरुवार को जब सहायिका के आकस्मिक निधन हो जाने की जानकारी सहयोगी कार्यकर्ताओं को मिली तो वे उसके घर पहुंच गई और सबने मिलकर अंतिम संस्कार की क्रिया में होने वाले खर्च को मिलजुल कर पूरा किया। वह अपने सहयोगी को कंधा देकर अश्रुपूर्ण विदाई दी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने दिवंगत की अर्थी को कंधा देकर अपने के प्रति अविस्मरणीय अंतिम फर्ज को यहाँ पर निभाया। परिवार का सहारा थी प्रेमा। तो यहाँ आप देख सकते हो मानवीय संवेदना का यह एक उदाहरण गुरुवार को जिले की विजय राघवड तहसील में देखने को मिला, जब महिलाओं ने अपनी साथी की असमय मृत्यु पर वो कर दिखाया जो अब से पहले कभी नहीं देखा गया था। विजय राघवगढ़ विकास खंड पर यहां आप देख सकते हो, मैं आपको बता देता हूं विजय राघवगढ़
के ग्राम पंचायत अमेटा की आंगनबाड़ी क्रमांक 3 की सहायिका प्रेमा कोल की अचानक बुधवार की रात हृदय गति रुक जाने से मृत्यु हो गई। सहायिका के घर की आर्थिक स्थिति भी बेहद कमजोर थी। उसके पति बाबूलाल कोल कई साल से बीमार है। एक बेटा 10 वर्ष व बेटी 15 वर्ष की है, जिनके पालन पोषण के साथ साथ पति की दवाई की जिम्मेदारी प्रेमा बाई के कंधों पर ही थी। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हो, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में गलत तथ्य देकर नौकरी हासिल करने वाली आंगनबाड़ी सहायिकाओं की सेवा समाप्त कर दी गई। जांच के दौरान आंगनबाड़ी सहायिका ने लिखित में गलती स्वीकार की थी। हालांकि सहायिका ने रिकवरी की कार्यवाही नहीं की जाएगी। तो उसके अलावा आप यहाँ देख सकते हो, सहायिका के पद पर नीलम की नियुक्ति की गई थी। नीलम ने नियुक्ति के समय दिए गए शपथ पत्र में खुद को अविवाहित दर्शाया था, लेकिन उसकी शादी फरवरी 2012 में खटीमा निवासी पंचानंद से हो चुकी थी। वर्ष 2012 में नीलम ने ससुरालियों के खिलाफ दहेज परिवारवाद और घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया था, जो कोर्ट में विचाराधीन मुकदमेबाजी हुई। तो पति पंचानंद ने नीलम के खिलाफ झूठे तथ्य देकर नियुक्ति पाने की शिकायत डीएम के साथ ही बाल विकास परियोजना अधिकारी से की थी। नियमानुसार सहायिका पद पर उसी अभ्यर्थी का चयन होता है जो उसी केंद्र या वार्ड की निवासी होती है। हालांकि नीलम के मामले में गलत शपथ पत्र देने का आधार यहां पर बनाया गया। उसके अलावा आप यहां देख सकते हो, आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन की बैठक रविवार को अष्ट शहीद इंटर कॉलेज परिसर में हुई। प्रदेश मंत्री प्रभावती सिंह ने कहा कि सदस्य ही संगठन की शक्ति है, इनके सम्मान और हक के लिए संघर्ष जारी रहेगा। कहा है कि कुछ कथित लोग संगठन को व्यवसाय के रूप में इस्तेमाल कर रहे, ऐसे लोगों से सावधान रहने की हमें जरूरत है। साथ में उन्होंने मौजूद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वह विभागीय अधिकारियों की ओर से किसी तरह का उत्पीड़न होता है तो उसके खिलाफ लापंद होकर मुकाबला करने की जरूरत है। भ्रष्टाचार सहने के बजाय लड़ना सीखे। प्रदेश अध्यक्ष गीता पांडे, कंचन देवी, रंजना, गीता, प्रतिभा राय, उमापति ओसा, मंजू सिंह, संगीता तिवारी, साधना आदि यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर आप देख सकते हो, हजारों की संख्या में नियुक्त हुए कर्मी, चुनिंदा कर्मी हजारों की संख्या में यहाँ पर नियुक्त हुए, 65,000 है। पैरा शिक्षक, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान आदि के तहत बड़े पैमाने पर अनुबंध पर बहाली हुई है। पैरा शिक्षक, BRPO, CRPO, NRHM कर्मी, आंगनबाड़ी सहायिका, सेविका, NNM, GNM संयुक्त हजारों कर्मी इसमें शामिल है। लगभग 65,000 तो पैरा शिक्षक ही है। ये सभी स्थायीकरण की मांग को लेकर आंदोलनरत है। सालों से चुनावी मुद्दा बनते आ रही सुविधा कर्मी और आंगनबाड़ी कर्मचारियों के अगले 5 साल में अच्छे दिन आएंगे या इंतजार में ही कट जाएंगे। इन 1,30,000 से अधिक कर्मचारियों पर सीधे तौर पर जनता के कल्याण की जिम्मेदारी है, लेकिन पिछली सरकार घोषणा पत्र में वादा करने के बावजूद इनका कल्याण नहीं कर पाई और नई सरकार ने घोषणा पत्र में घुमा फिराकर उसी वादे को दोहराया। देश में पिछली सरकार वादा पूरा नहीं कर पाने पर कार्यकाल के शुरुआत में ही युवाओं की नाराजगी झेल चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को इन युवा कर्मचारियों का विरोध झेलना पड़ा। प्रदेश में लिपिक से लेकर शिक्षक तक विभिन्न पद पर लगे इन कर्मचारियों की भागदौड़ जैसे तैसे नौकरी पाने से शुरू होती है। इससे एक बार बेरोजगार से निजात मिल जाती है और फिर संविदा का कार्यकाल बढ़ता रहता है। सरकारी नौकरी के लिए आयु सीमा तय है, लेकिन समय पर भर्तियां नहीं निकलने से यह भी निकल जाती है। उधर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कई बार संविदा पर नियुक्तियों पर ऐतराज जता चुके, लेकिन नियमित पदों पर ऐसे कर्मियों की भर्ती का सिलसिला अभी तक जारी है। क्या हो सकता है रास्ता? तो भविष्य में संविदा पर भर्ती के बजाय नियमित नियुक्ति के प्रयास हो, मौजूदा संविदा कर्मियों को बोनस अंक और आयु सीमा में यहां पर छूट दी जा सकती है। संविदा कर्मियों के नियमन में समस्या, बोनस अंक देकर भर्ती करने पर नए बेरोजगारों को ऐतराज है। संविदा पर सेवा देते देते उम्र पार होने की सीमा पर भी पहुंचे। उसके अलावा कांग्रेस का चुनावी मुद्दा यहां पर आप देख सकते हो, संविदा कर्मियों, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन व राष्ट्रीय प्रहरी स्वास्थ्य मिशन कर्मचारियों, पैरा टीचर्स, उर्दू पैरा टीचर, लोक जुम्मन कर्मियों, आंगनबाड़ी कर्मियों, शिक्षा कर्मियों, विद्यार्थी मित्रों, पंचायत सहायकों सहित अन्य विभागों के गैर नियमित कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान है। युवाओं के अधिकाधिक रोजगार, प्रदेश के सभी राजकीय विभागों में रिक्त पड़े स्वीकृत पदों को समयबद्ध रूप से भरा जाएगा और रोजगार यहाँ पर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी एक मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी।
आशा करता हूँ बहनों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्योंकि बहनों आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता के साथ में संविदा कर्मियों से रिलेटेड कोई भी किसी भी राज्य और किसी भी शहर की कोई भी अपडेट आती है तो हम सबसे पहले आपके सामने लेके आते हैं। तो बहनों अगर आप जिस राज्य और जिस शहर से बिलोंग करते हो वो जरूर कमेंट करें ताकि हम आपके राज्य और आपके शहर की भी आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं से रिलेटेड अपडेट आपको देते रहे। तो बहनों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।